हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ जागृति। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है और शेयर करा है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मतलब बीच में चीज़ें बहुत हेक्टिक हो गई थी, सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अगर मेरे पास जब भी टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँ, डेली लाइफ से रिलेटेड, या मेरा कोई भी नॉर्मल कॉन्टेंट है, या मेरा डांस का वीडियो है उससे रिलेटेड। सो या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, व्लॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ इग्नोर द मेस जो मैंने फैला रखी है। और हाँ, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं घर जाऊँगी उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, एंड देन इवनिंग वॉक करती हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। डिनर पे मिलूँगी फिर आपको। सो यार, यही कुछ सिंपल सा सोबर सा ऐसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड लाइक शेयर कॉमेंट। हाई एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ अभी इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि मतलब रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो चुका है, एंड वेट लॉस तो मेरे से होने से रहा, मतलब होएगा ऐसा नहीं है, बस वही है कि डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अभी आई एम गोइंग टू गेट रेडी। वॉक पे जाने से पहले मैं ये छोटू सा प्यारा सा गुआवा खाऊंगी। बहुत ही नॉर्मल बेसिक सा रेडी हो चुकी हूँ, मैंने लोअर टी शर्ट पहना है और अभी मैं लिप बाम लगाऊंगी। और ये जो लिप बाम है ये ब्लू हेवन का है, आप देख सकते हो, इट्स जेली एंड बटर ब्लू हेवन का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड करा था और लिटरली मेरे जो लिप्स थे वो बहुत चैपी थे, जो कि अब काफ़ी स्मूथ एंड यू नो सॉफ्ट हो चुके हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप ये जो लिप बाम है, इसमें शेड्स हैं अलग अलग, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। बहुत अच्छा सा कलर आता है इससे, मतलब आपको लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं, मतलब मैं पर्सनली लिपस्टिक बहुत 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 रेयरली लगाती हूँ, बस जब मुझे वीडियोस बनाना होता है या फिर कभी पार्टी में जाना होता है, वरना मोस्टली मेरे पास ये लिप बाम रहता है एंड इट्स लिटरली इफेक्टिव। तो आपको अगर ये ट्राई करना है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन अ वॉक। मौसम काफ़ी अच्छा था बाहर, बारिश जैसा, लेकिन उमस इतनी हो रही थी कि बहुत चिपचिप थी। तो मैं आ गई हूँ और ये बंधा रोड है जहाँ से मैं अपना वॉक स्टार्ट करूँगी। मौसम आप देख ही सकते हो कितना प्यारा है, क्लाउडी हो रखा है एकदम मौसम। और रोज़ मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ, मतलब मेरा हमेशा डेस्टिनेशन चेंज होता रहता है, कभी इधर से जाती हूँ कभी मेन रोड से। मैं वॉक करके यहाँ पे आ चुकी हूँ, जो जगह है अभी मैं दिखाऊंगी आपको पूरी, और अच्छा खासा स्वेट हो चुका है, बिजली भी कड़क रही है। ये जो जगह है ये कुड़िया घाट है, यहाँ पर मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, बट आपको दिखाने के लिए दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा ग्राउंड है और इसके उस साइड में छोटा सा जिम है, मतलब एक्सरसाइज मशीन्स हैं, तो वहाँ पे लोग, छोटा सा जिम है तो एक्सरसाइज करने आते हैं। एंड वहाँ से इसकी एंट्री है, वो जो आप देख रहे हो ना ये ऐसे टोम टाइप का, यहाँ से इसकी एंट्री होती है और इसके पीछे गोमती नदी है। सो या ये है मेरा वॉक करने का जगह। और मैं ना हमेशा एक ही जगह वॉक नहीं करती, मतलब मैं हमेशा यहाँ पर नहीं आती हूँ, अलग अलग जगह वॉक करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है वैसे, सो लेट्स गो। मेरी एक्सरसाइज अभी हो गई है, अभी मैं स्टेयर्स क्लाइंब करूँगी और स्वेट आप देख ही सकते हो कि कितना ख़तरनाक आ गया है। सो अब मिलते हैं डिनर पे। मैं घर आ चुकी हूँ, मैं ये अपने लिए सैलड काट के गई थी, मतलब थोड़ा सा चॉप करके, जिसमें कि मैंने बेल पेपर्स लिए हैं, रेड और येलो वाले, क्यूकम्बर है और ऑरेंज वाली कैरेट है, और इसमें भी मैंने मसाले और सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया है, तो उसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करना है। साथ ही में मैं ये कॉर्न ऐड करूँगी, इसको बॉईल करके मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा, तो अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और इसको मैं ऐसे ही अभी छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं फ्रेश होंगी तब तक मैं ये जो कॉर्न है वो मैं बॉईल करके चढ़ा के चली जाऊँगी और फिर आके इसको प्रिपेयर करूँगी।
कॉर्न बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने यहाँ साइड में सब्जियाँ चॉप करके रख ली थी, डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। सो मैंने डिनर के लिए बनाना है फ्राइड राइस, जिसमें मैं ये वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, कोरिएंडर, अनियन, टमेटोज़ एंड कैरेट, और अभी इसमें मैं ग्रीन चिली भी यूज़ करूँगी। सो डिनर बनाती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ, मुझे शैम्पू भी करना है, और मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। देख रहे हो गर्मी में इतना पसीना पसीना हो गया है। गॉड, हो चुकी हूँ मैं, नहा के आ चुकी हूँ, और अभी मैंने शैम्पू किया था आज, और अभी मैं खाना खाऊंगी। एंड ये मेरा डिनर, ये मेरा सैलेड, और मैंने बोल भर के बनाया है। इसमें मैंने काली मिर्च वगैरह, सॉल्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया है। एंड मैं डिनर अपना करती हूँ इन्जॉय, तब तक आप ये वीडियो इन्जॉय करना एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो अगर आपको मेरे ऐसे ब्लॉग्स और चाहिए, सो डू कॉमेंट एंड टेल मी, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर ऐसे ब्लॉग्स बना के थोड़ा सा एंटरटेन कर सकूँ। सो या अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।